बोर्डियों वाले इंस्टीट्यूट पे मत जाओ कहीं अच्छी जगह मैं बोलता हूँ हर इंस्टीट्यूट अच्छा है मैं किसी का कोई पर्टिकुलर नाम या कहीं कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ हम बहुत अच्छे हैं

हम तो डेमो क्लासेस पांच चार दिन का डेमो क्लासेस तो, है, तो, तो वाले इंस्टीट्यूट में चले जाइए और जो चीज फ्री है जो आप दो ढाई हजार रुपए लेके घर पे देख सकते हो कि इस लाइन पे लिखा है तो ये लाइन है थोड़ा गूगल में सर्च करोगे तो एस का फुल फॉर्म भी पता चल जाएगा कुछ एक दुकान वाले से पूछोगे या एक यूट्यूब से किसी भी चीज से पूछोगे तो ग्रुप में ही बता देगा भाई एस डी काम करता है पर ये भी नॉलेज नहीं होता है पर अगर आप एक दस हजार बीस हजार तीस हजार चालीस हजार या पचास हजार ऐसे देखे में में जाते हो और वहाँ भी से हो और 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 भी पढ़ते तो मेरे भाई तुम्हारे पैसे हैं हैं ना बर्बाद पूरी तरीके से और तुम, और तुम वाकी में ऐसे लोग बाद ये मेरी आईसी है। आप नोटिस करो तो बता दिए बाकी सारे सारी पिन क्या काम करिए अब चलो इसी का डायग्राम खोलते हैं एक बार इसका डायग्राम खोलो कहते हैं ना वो दुकानदार सही कहते हैं बोर्नियों पे सब कुछ दिया हुआ क्यों जा रही है पर मेरे भाई बोर्नियो

दोस्तों अगर कोई बहुत सारे वीडियो डाले हैं इससे पहले अभी हमने सैमसंग का एक वीडियो डाला है सैमसंग में चेंज और चेंच। वो वीडियो तो कैसे दम के साथ वो वीडियो कोई इंडस्ट्री में दूसरा अभी तक भले ही एक दिन बाद आ जाएगा दूसरा हमने बहुत सारे यहाँ पर वीडियो डाले हैं जिसमें हमने मीडिया टेक चेंज और मीडिया टेक से पहले हमने कॉलकम चेंज और उसके अलावा आप यहाँ पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हो और बहुत सारी चीजें इवन हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल है हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की जिद है मेरा फितूर जिद है मेरा फदूर जिद है मेरी जो प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहे हैं बहुत सारी चीजें होती हैं यार किन आईसी को बाईपास कर सकते हैं किन आई को नहीं कर सकते हैं आईसीओ को कैसे पढ़े जिनका सर्किट डायग्राम नहीं है और आप क्या है आप क्या बोर्डियो पर डिपेंड है आपको क्या लगता है कि सौ परसेंट लाइन सही है आपको अगर सही आपको नॉलेज ही नहीं है ना अब एक इंस्टीट्यूट का टीचर से बोर्डियो खोलता है मैंने सर बहुत देखा है इंस्टीट्यूट के टीचर के लिए आज की ट्रेनिंग बहुत आसान हो गई है क्योंकि बोर्नियो आ गया है लाइन दे दिए बोर्नियो यहाँ पर आप देखिए कोई बोर्नियो ओपन कीजिए नहीं नहीं देखो लिये अच्छा ये वाले और मैं कैसे जैसे है, मैं सामने एक कोई भी रख दूंगा और बुर्णियों ओपन कर लूंगा आप देखो ये स्कैम है अगर आपका में, मैं कह रहा हूं, अगर आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा है तो आवाज उठाओ बोलो कि सर हमें बोर्नियो से मत पढ़ाओ हमारे को विदाउट बोर्नियो पढ़ाओ क्योंकि बोर्डनियो में तो सारा इस मॉडल हम पहले से पढ़ के आ, आ, आ जाएंगे हमें तो बोर्डियो से आप सीधी सीधी खिंची हुई लाइन मत बताओ आप हमें विदाउट बोर्डियो के अब बताओ ये लाइन किधर जा रही है अब बताओ ये देखिए मान लीजिए कोई भी एक हार्डवेयर सोल्यूशन टीचर्स केबल हार्डवेयर सोल्यूशन दोस्तों मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम करूंगा आप नोटिस कीजिए ठीक है अब यहां पर जैसे कोई फोन खोल लेते हैं मान लीजिए टीचर ने आपके सामने ओप्पो का एक फोन खोला ओप्पो का ए फिफ्टी टी और उसने बोला कि यहाँ पर हम जैसे डिस्प्ले का सोल्यूशन देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एल और एल में यहाँ पर उन्होंने सलूशन खोला देखो मैं आपको मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सही गाइडेंस दे रहा हूँ मैं बोलता हूँ आप उन्नीस हजार के इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वो ये भी तो दावा कर रहे हैं ना कि उन्नीस हजार का इंस्टीट्यूट वो आपको पचास हजार की वैल्यू दे रहा है बिल्कुल सर ये वो दावा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वैल्यू पचास हजार की वैल्यू दे रहे हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं वो नहीं हैं। नहीं वो 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 तो कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ जो भी इंस्टीट्यूट अगर आपसे कहता है कि मैं आपको आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हो भाई इनके पास क्यों जा रहे हो आप मेरे पास आ जाओ मैं सारी चीजें सिखा दूंगा जो दुकानदार जो दुकानदार तुमसे यह कह रहा है कि मैं तुमको इंस्टीट्यूट के पचास हजार वाला ज्ञान नहीं यहां पर दस हजार में दे दूंगा तुम बस मेरे पास आ जाओ एक महीना बैठो तो उससे ना है ना बोलना कि भाई तू मेरे को सीखा पर विदाउट बोर्नियो बिल्कुल चैलेंज आई एम चैलेंजिंग ऑल ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में बैठे हो तो वहां आवाज उठाइए और बोलिए कि सर मुझे विदाउट बोर्नियो पढ़ाइए अगर आप में काबिलियत है तो पूरा सेक्शन में आप बोर्नियो नहीं खोलेंगे बिल्कुल सर बोलियो नहीं खोल। और आप उसके सामने फिर स्टूडेंट के मोबाइल की फॉल्ट फाइंडिंग कीजिए राइट बिल्कुल सर बोर बिना बोर्नियो के सिर्फ डायग्राम से आपका पढ़ाई है सिर्फ डायग्राम क्योंकि हर एक स्टूडेंट तो ऐसे कलर देख लेगा भाई ये लाइन यहाँ जा रहा है ये लाइन यहाँ जा रहा है सो हाई माई यूट्यूब फैमिली मेरा नाम है देवेदन अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेलीकॉम और मेरे साथ है मिलन सर प्रोग्रामर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए एक सौगात है एक नॉलेज है ये वीडियो आप लोगों की आंखें खोलेगा ये रिपेयरिंग की काला ना मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग का काला सच है बिजनेस का काला सच है, है. 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 बिजनेस का काला सच है कि आज के डेट में कह रहे हैं ना आज के डेट में हर एक तीसरे आदमी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गया बस बस तीसरे की वो चौथे कोई आदमी अपने आप को यह कहता है कि इन इंस्टीट्यूट में मत जाओ हमारे इंस्टीट्यूट में मत आओ भाई तुम्हारे को कितना चालीस पचास हजार रुपए क्यों खर्च करते हो पांच हजार रुपए दो दस हजार रुपए दो हाँ दस हजार रुपए दो मैं आओ बैठो मैं डबल डेकर सिखा देता हूं डबल डेकर सिखा देता हूँ ठीक है आप डबल डेकर चलो ठीक है ये तो हैंड स्किल वाला काम है कोई भी सिखा देगा आप आईसी का काम सीख गए बात आती है लाइनों की और फिर वो बोलता है मैं लाइन भी सिखा दूंगा क्या दिक्कत है दस हजार में आप मुझे दो मैं आपको पचास हजार वाला ज्ञान दूंगा मैं चैलेंज करता हूं आप सभी लोगों को सारे स्टूडेंट प्लीज गौर कीजिए देखिए आपका पैसा है आपका पैसा है और आप अपने पैसों को लुटने मत दो बिल्कुल सर लुटने मत दो यार स्टूडेंट कर्जा लेके आ रहे हैं और पहली बात तो सारे इंस्टीट्यूट वाले से बोलूंगा जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं आपसे कि सर मैं कर्जा लेके आ रहा हूं तो उनको बिल्कुल मत पढ़ाओ बिल्कुल देखो क्यों रीजन ये समझो अगर आप अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ए अगर ए कर्जा लेके आता है किसी से तीस हजार रुपए मांग के और फिर वो इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो आप ये बताइए उसके बाद टूल खरीदने का पैसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं कर्जा लेके आ रहा है भरना है आइए बैठ जाइए बैठ जाइए बस तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है हम तुम्हारे को बस दो चार हजार रुपए के टूल खरीदना और बैठ के काम करना है मुझे बताओ क्या ये बीस हजार के तीस के फोन दो चार के टूल से बन जाएंगे के? कभी नहीं बनेगा सर कभी नहीं माइक्रोस्कोप आपका तो एक, तो एक काम करो ना एक इंस्टीट्यूट में वही दो चार हजार के ही टूल रखो और फिर सिखाओ।, फिर सिखाओ और फिर उनके सारे हैंडसेट चालू करवाओ फिर बोलो कचरा लेके आओ हम तुम्हारे चालू करेंगे राइट बिल्कुल सर दोस्तों मैं आपसे एक बात कह रहा हूं ये टेलीकॉम के प्रमोशन का वीडियो नहीं है ये तुम्हारी आंखें खोलने का वीडियो है मैं ये कह रहा हूं अगर आपका टीचर अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में गए हैं जो ये दावा करता है कि हम इन इंस्टीट्यूट जैसा पढ़ाएंगे हम ऐसा करवाएंगे हम वैसा करवाएंगे तो पहली बात तो उनसे बोलो कि सर बोर्डियो मत खोलो क्लास में डायग्राम से कले बोर्नियो तो बोला मत बोलो सर बोलनी हो तो खोलो ही मत अगर आप बोनियो की लाइन देखकर मुझे बता रहे हो तो सर ये तो कोई भी तीसरा थर्ड पर्सन कोई भी बच्चा बता कि सर ये लाइन तो यहाँ जा ही रही है अब उसमें अब सिखाने की क्या जरूरत है में जा रही है मुझे तो भाई ग्रीन ग्रीन रेड रेड कलर इवन नाम तक जूम ना, करो उसको जरा जूम मारो ने थोड़ा सा जूम कर, 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 कर दो ये देखो यहाँ पर अगर हम आपको दिखा है ये देखो बोर्डियो से आपको पहले बोल रहा हूँ स्टूडेंट को ठगना बंद करो मेरे भाई बोर्ड न्यूज को पढ़ाने वाले टीचर ये देखो हर चीज पर लाइन लिखी हुई है तो फिर तुम्हारा नॉलेज कहाँ से आया दोस्तों अगर कोई वाकई में सच्चा है और कोई वाकई में ही अगर रियल है तो वो अपनी क्लास में बोर्ड बोर्नियो एक बार भी नहीं खोलेगा हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं खोलेगा सिर्फ और सिर्फ डायग्राम खोल के बताएगा स्केमेटिक अगर सिखाना है तो लाइनों की जानकारी दीपक आ, मिल, आ, मिलन सर खोलिए जरा जैसे ये मैं जैसे एक मॉडल ले, ले लेता हूं कोई भी एक सपोज जैसे कोई भी सपोज देखिए मान लीजिए पो, पोको ले लीजिए कोई पोगो एक्स2 ले लो पोगो एक्स2 ले लेता हूं यहां पर लेआउट ये देखिए और डायग्राम दो चीज में खोल लेता अब उससे बोलिए कि सर अब हमें एंटलेस बताइए अब हमें बताइए सर्किट कैसे काम करता है अब हमें बताइए अब इस सर्किट में और पे? मैं एक बता रहा हूँ मिलन सर आपने एक चीज तो खोल ली मान लो ये पोको एस टू है S2. राइट अब सर स्टूडेंट जो है टीचर को पूछे की सर इस आईसी के पास इतने कॉयल क्यूँ लगा है और इस सारे कॉल की काम क्या? काम है? क्या है और मैं तो बोलता हूं उस मोबाइल में जिस मोबाइल का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है उस मोबाइल का दरे सामने रखाओ टीचर से और बोलो सर इसका बताओ इस ये लाइन कौन सा लाइन हो तुम बहुत अच्छे हो ना

ये यहां पे लिखा हुआ है राइट ठीक right. है और यहाँ पे हम जानते हैं अब ये आईसी आपने बदल दिया फिर भी वोल्टेज नहीं आ रहा आ. तब क्या करेंगे तब क्या करें अच्छा चलो एक आईसी बदल दिया आपने और फिर भी ये वोल्टेज नहीं बन रहा है क्योंकि हमने देखा यहाँ से यहाँ से ये लाइन शुरुआत होती है और मेरा लाइन ये एल सी डी कनेक्टर मेरी ये लाइन सही है मैं आईसी चेंज कर दिया कनेक्टर चेंज कर दिया फोल्डर चेंज कर दिया राइट राइट फिर भी मेरा ग्राफिक्स नहीं आ रहा है फिर सर क्या करूं इस सवाल की जवाब पूछिए अच्छा चलो एक है ना बहुत अच्छा बता रहा हूं सब लोग देखो ये सबके भविष्य के लिए सबके भविष्य के लिए मेरे भाई किसी भी इंस्टीट्यूट जाना है ये भी देखो हम मान लीजिए कोई हार्डवेयर सोल्यूशन खोलते हैं ये देखिए हार्डवेयर हमने सोल्यूशन खोला और इस तो मान लीजिए हम यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूसन खोलते हैं देख लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने खोला और मान लेते हैं जैसे ए थ्री ए थ्री में हमने खोला और हम स्पीकर आई सी काम करना चाहते हैं स्पीकर आई सी हम जाते हैं यहाँ पर ए थ्री का डायग्राम भी है इसलिए मैं बता रहा हूँ स्पीकर आई सी की बात करें या अब चार्जिंग सेक्शन की बात कर सकते हैं स्पीकर आई सी की चलो एक बात करते हैं स्पीकर देखिए अब स्पीकर आईसी पे गए हैं हम बात करते हैं ऑडियो एम्पलीफायर की हम बात करते हैं स्मार्ट पीए की अब यहाँ पर देखिए ऑडियो एम्पलीफायर की बात करते हैं स्मार्ट पीए की बात करते हैं तो यहाँ पर ही आईसी दी हुई है हम यहाँ पे इसको जूम करेंगे मैं बता रहा हूँ बोर्नियो बोर्नियो तो इस एक एक हेल्पिंग के लिए मेरे भाई ये देखे ये देखिए नोटिस कीजिए यहाँ पर ये देखे ये मेरी आई है आप नोटिस करो कि बोर्नियो ने इतने पॉइंट तो बता दिए पर बाकी के पॉइंटों का क्या

सर मारूती 800 हंड्रेड अपने आपको दो मिनट के लिए कंपेयर कर देगी अरे क्या जरूरत है जाते तो हम भी हैं नर्सरीज में बैठने की क्या जरूरत है 800 हंड्रेड में ऑटो में बैठो भाई पर ऑटो ऑटो है लिटरली आप अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हो मैं बोलता हूं अगर ये दस हजार में बंदा आपको सिखा भी रहा ना बहुत अच्छी बात है आप सीख रहे हो पर अगर आप बोर्डियों सीखने जा रहे हो तो उसके लिए पैसे मत दो उसके लिए पैसे मत दो बोर्नियो सीखने के लिए इंस्टीट्यूट में पैसे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आप लोगों को और आप लोग मेरी बात माने ना माने पर आज की डेट में हिंदुस्तान में कमेंट करके बताओ आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि आप टीचर से आकर बोर्डियो खोलता है कि नहीं खोलता है कमेंट करके बताओ मुझे कमेंट करो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में गए हो वहां पे बोर्नियो खोला गया है कि नहीं खोला गया है अब देखिए यहीं पर हमने इस आई को क्लिक किया अब इसके स्कोमैटिक में जाते हैं दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा ये, ये देखिए अब आप, आप अपने टीचर से पूछो ये स्मार्ट पी है कि ऑडियो पी है वो ये तक नहीं बता पाएगा वो तो बोलेगा कि हम देख कर बता पाएंगे यू थ्री सेवन जीरो पे स्थमेटिक में आया हूँ नाम है यू थ्री सेवन जी अब नोटिस करो अब आप नोटिस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे अब आप नोटिस करोगे अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर तो इतने सारी चीजें यहाँ पर अब वो देखो हर यहाँ पे जो इतने सारे पैडों में आप देख रहे थे कि यहाँ पे आधे पैड गायब हैं भाई यहाँ तो बहुत सारी सप्लाईयां दी हुई हैं आप अपने टीचर से पूछो सर ये क्या ये वाली सप्लाई क्या काम करती है ये सप्लाई क्या काम करती है ये सप्लाई क्या काम करती है और मुझे ये भी पूछो कि अगर मेरे पास इसका डायग्राम नहीं हुआ तो मैं कैसे तो मैं कैसे पढ़ूंगा स्मार्ट की सबका नंबर अलग अलग है तो कैसे नंबर वाइज क्या करूंगा कौन क्या इसमें क्या लग जाएगा आपने क्या किया इसमें क्या लग जाएगा वही नंबर अलग है तो लग जाएगा क्या लाइट आईसी का नंबर अलग है तो लग जाएगा क्या ये सारे सवाल के जवाब आप पूछे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कहीं भी जाइए इस इंडस्ट्री में 2023 आ चुका है अब आप आपको अपग्रेड करना है ये बिल्कुल मात मान लीजिए हर इंस्टीट्यूट पे जहाँ आप भरोसा करते हैं वहां जाइए मैं मना नहीं कर रहा हूँ पर अपने अगर आपके बहुत ज्यादा पैसे हैं तो बुर्णियों वाले इंस्टीट्यूट में चले जाइए और जो चीज फ्री है जो आप दो ढाई हजार रुपए लेके घर पे देख सकते हो कि हाँ भाई इस लाइन पे एस लिखा है तो ये लाइन एस है थोड़ा गूगल में सर्च करोगे तो एस का

और बाद में क्या बोले कि हमारे पास जो मॉडल नहीं है उसको हम खोल तो नहीं सकते हार्डवेयर सोल्यशन नहीं है हार्डवेयर नहीं है टाइम जिस जो इंस्टीट्यूट आपसे ये कहता है कि मैं विदाउट बोर्ड पढ़ाऊंगा सिर्फ स्केमेटिक या विदाउट स्केमेटिक उसी इंस्टीट्यूट में जाइए अपने पैसे भरिए बुकिंग कराइए और दम से और अपने कॉन्फिडेंस से भरिए और एक और बार बता रहा हूँ सिर्फ इंस्टीट्यूट की बात नहीं करता आज के डेट में ना स्कैम स्टूडेंट भी कर रहे हैं यार बिल्कुल 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 स्टूडेंट भी स्कैम कर रहे हैं जैसे जैसे सर अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं आप आ, बाकी इंस्टीट्यूट वाले भी मेरे से सहमत होंगे भाई मैं सबके लिए बात करूंगा यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल है हम स्टूडेंट के लिए रखते हैं ना डेमो क्लासेस हम तो डेमो क्लासेस पाँच चार दिन का डेमो क्लासेस रखे फोर डेज डेमो क्लासेस वो भी ये नहीं कि दो घंटे डेमो क्लासेस का मतलब ये नहीं होता हमारे लिए कि आप सामने बैठे और हम एक पावर ऐसी निकाल के लगा दें और आप ताली बजा दें डेमो मतलब हमारी पूरी फुल डे की पूरे फुल डे दे, घंटे जिसमें हम आपको थर्मिस्टर ढूंढना ढूंढना टेस्टिंग करना पूरे बारह से चौदह घंटे हम आपको सिखा रहे हैं और हमारे बिना तो तो हमारे अलावा तो कोई लाइव आता, आता ही नहीं है आप फेसबुक में जाओ देखो कि हम लाइव अभी आए हैं बताओ वहां पे उस समय कौन इंस्टीट्यूट लाइव आया है सो so, मैं ये कह रहा हूं कि स्कैम ये है मिलन सर की आप बंदा आता है इतनी दूर से और चार दिन अटेंड करता है सीपीयू निकालता है पावर एसी निकालता है हर चीज हर एक चीज का वीडियो बना बनवाता है कि सर मुझे सब आता है और पांचवे कहता है कि नहीं सर मेरे को तो घर जाना है मेरे को घर वालों की याद आ रही है ऐसी कैसी बात हो गई सर मेरे को घर वालों की याद आ रही है नहीं सर वो मैं पैसे कर्जे ले लेके आया था ना तो मुझे कर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप बहुत आप, आप हाई लेवल पढ़ाते हो सर पर मुझे ना घर वालों की याद आ रही है सर मुझे तो जाना है तो आप क्यों जाते हो ऐसे इंस्टीट्यूट जब आपको अपने घर नहीं छूट रहा है आप ऐसे आप मोबाइल रिपेयरिंग का हिस्सा हो ही नहीं मैं सच बताऊं मोबाइल रिपेयरिंग मेरे भाई वो नहीं कर सकता है जो घर से बंधा हो पहली बात तो भाई अगर सीखना है तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और जो आदमी नहीं सीखना चाहता वो घर के अंदर घुस के बैठे बिल्कुल सर घुस के बैठे और एशिया टेलीकॉम ने चार दिन का सपोर्ट एक बोनस के रूप में दिया था कि भाई चलो आपके पैसे आपको लगेंगे कि भाई अगर मैं वाकई में फ्रॉड हूँ कि मैंने आईसी नहीं लगवा रहा है या हम नहीं पढ़ा रहे या हम तीन तीन दो दो घंटे का ब्रेक दे रहे हैं या जबरदस्ती बिठाए हैं या आपके हाथ में पी दे दी और टीचर है ही नहीं तो ये सब अगर हम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल बोलते कि आप जाओ पर सब करने के बाद सीपी सीपीयू पलटाने के बाद जो उनको लगता है कि कोई इंस्टीट्यूट पंद्रह पंद्रह दिन में भी आईसी रिबॉल नहीं करा पा रहा है हम चार दिन में सीपीयू करवा रहे हैं हर चीज करवा रहे हैं कॉम्पोनेंट आईफोन मतलब ये तक कि वो बच्चा ये तक बता सकता है कि इस फोन में कितनी आई हैं उसका नाम उसके बाद में बच्चा बोलता है कि सर मेरे को तो जाना है घर का, का याद आ रहा है तो भैया ऐसा है कि, कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट आए हो किसी दूसरे देश प्रोटोकॉल होते हैं फॉर्म भरते हो वहां पर तो ध्यान रखिए ऐसे बिल्कुल मत कीजिए यार पढ़ने आयो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के भी हजारों खर्चे होते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो मैं पूरे करने होते हैं तो आप ये मत सोचें कि सर मैं गरीब हूँ मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और पहली बात तो आप कर्जा लेके मत आइए प्लीज आप कर्जा लेके मे सर बिल्कुल अच्छा, एक सही टॉपिक है मैं मुझे ये बताइए कि क्या इस फील्ड में आगे उन लोगों को नॉलेज दो क्या इस फील्ड में उन लोगों को रिपेयरिंग करना चाहिए जिनके और वाकई में बिल्कुल पैसे नहीं है मुझे बताइए देखिए अगर आपके पास पूंजी नहीं है नहीं है। आ, तो इस फील्ड में मत आइए क्योंकि इस फील्ड में सबसे पहले तो आपको कम से कम डेढ़ से एक लाख रुपये तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा मतलब मैं बोलता हूँ कि चलो कम एक लाख नहीं कम से कम कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना बिल्कुल सर अगर आप उधारी आप जितना सीख रहे हो इतना सा उधारी लेके आ रहे हो हाँ तो बाद में क्या लाएंगे तो टूल्स के लिए पैसा नहीं, है? नहीं स्टूडेंट को बताइए स्टूडेंट से सोचता है निकाल लूंगा। अब मुझे बताइए एक एम बी बी एस करके बंदा चार साल एमबीबीएस करके इंजीनियरिंग करके चार साल मेडिकल की कॉलेज करके चार साल में सीधे जाते डॉक्टर बनकर पेट खोलने लग जाता है क्या कोई उसके पास जाएगा ही नहीं कोई जाएगा ही नहीं उसके पास वो, वो खुद खोलेगा क्या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस किस चीज का काम करने की काम करने का काटने की, काटने की एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नॉलेज तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं इवन आप अगर नॉलेज नहीं रखते हैं अपने घर वालों से पूछिए कि चार साल की डिग्री होने के बाद भी एक डॉक्टर को जूनियर डॉक्टर का खिताब मिलता है उसको कम से कम चार पांच साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके वो एक डॉक्टर की खिताब लेता है नहीं तो वो जूनियर उसको हमेशा एक डॉक्टर की टीम के अंदर एज ए जूनियर ही काम करना पड़ता है कि पेशेंट कैसे हैंडल किए जा रहे हैं नहीं जा रहे तो मैं ये नहीं कहूंगा चार पांच साल भाई मेरे एक महीना दो महीना तो आपको काम करना ही करना है और उसके बाद फिर जो बक्स आते हैं जो सब नहीं बनता उसके लिए फिर एक इंस्टीट्यूट वापस बुलाता है दो दिन एक दिन कि आप तीन दिन हम है। पर आपको एक बार आना पड़ता है। ये ही तभी आप बोलते हैं कि सर अब तो मेरा है ना परफेक्ट हो गया है क्योंकि जब भी, भी आपने सौ नंबर का पेपर दिया होगा तो क्या सिर्फ सो नंबर आए होंगे पहली बार में नहीं कभी नहीं पचास साठ सत्तर अस्सी अगर जितने नब्बे भी लाए ना तो दस नंबर के लिए एक बार रिटर्न आना पड़ता है दोस्तों प्लीज़ अपने पैसों की वैल्यू रखो 2023 में अपडेट हो और प्लीज सोल्यूशन से मत पढ़िए बोर्डियो वाले इंस्टीट्यूट पर मत जाओ कहीं अच्छी जगह मैं बोलता हूं हर इंस्टीट्यूट अच्छा है मैं किसी का कोई पर्टिकुलर नाम या कहीं कुछ नहीं ले रहा हूं मैं ये भी नहीं कह रहा हूं हम बहुत अच्छे हैं अगर हमें हमें अच्छे देखना है तो मैं फेस में जाके देखो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास मत आओ मैं बिल्कुल नहीं मना बिल्कुल, क्योंकि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको एक बार कह लो अलावा भी पलट के कॉल नहीं करेगा क्योंकि हमारी कॉलिंग सिस्टम ऐसी नहीं है सर कि हम आपको दस बार बीस बार हम आपको आ, मना रहे हैं कि सर आ जाइए और अभी हमारी फीस इतनी अभी उतनी है इतनी उतनी हम ये सब नहीं करते महीने बढ़ जाएगी फिर घट जाएगी भाई हमारा तो हम हम दम से चलाते हैं इंस्टीट्यूट बिल्कुल सर बिल्कुल भोकाल से चलाते हैं इंस्टीट्यूट और ये भोकाल हमारे नॉलेज का है सोईबा दानीना पर इतना है कि भाई बोर्नियो वाले इंस्टीट्यूट में जा रहे हो ना तो बोर्नियो जैसे ही रह जाओगे दस में से चार डायग्राम है जिनके और बाकी छ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगे और फिर हर इंस्टीट्यूट को गाली बको बिल्कुल सर और यहाँ के कारण सबको गाली बखो सबको और, और ये नीचे डालो आप बताओ कमेंट करके बताओ कौन कौन मुझसे ये वाकिफ़ रखता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक जगह बोलते हैं सर मेरा तो बीस हजार तीस हजार बर्बाद हो गया और वो नीचे जाकर सारे इंस्टीट्यूट बेकार होते हैं ये सिर्फ थकते हैं ये सिर्फ वो करते हैं यहाँ पर नहीं तो, तो अगर हम बात करेंगे ठीक है तो हम बात कर रहे हैं भैया मेरे ये वी, ये वीडियो आप लोगों के नॉलेज के लिए है आप लोग कहीं भी जाइए हमारे वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे देखिए अभी हमने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं इससे पहले अभी हमने सैमसंग का एक वीडियो डाला है सैमसंग में एम चेंज और वो वीडियो तो कैसे दम है? के साथ वो वीडियो कोई इंडस्ट्री में दूसरा अभी तक भले ही एक दिन बाद आ जाएगा दूसरा हमने बहुत सारे यहाँ पर वीडियो डाले हैं जिसमें हमने हमने चेंज चेंज और और से पहले कॉलकम और और उसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे वीडियो देख सकते हो और उसके बहुत सारी चीजें इवन हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप उस यूट्यूब चैनल में भी यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल है यहाँ पर नोटिस कीजिएगा ये देखिए ये हमारे पर्सनल यूट्यूब चैनल है आप यहाँ जाके तो अनंत नॉलेज उठा सकते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं तो ये वो कंटेन है जो पेड है बिल्कुल सर तो ठीक है और ये वीडियो देख ले, ले थैंक यू वेरी मच ऐसे ही हम हम हर हफ्ते आएंगे और हर हफ्ते आएंगे और दोस्तों मुझे बताइए क्या हमको ऑनलाइन आना चाहिए क्या हमको ऑनलाइन आके आप आप क्या चाहते हैं हमसे कि हम आपके लिए ऑनलाइन आए और आपके सवालों का जवाब दें आप मुझे कमेंट करके बताओ जो जो स्टूडेंट या जो ये चाहते हैं कि सर प्लीज़ ऑनलाइन आइए आधे घंटे के लिए और हमारे कमेंट का सवालों के हमारे जो कन्फ्यूज़न है कि इंस्टीट्यूटों के बारे में या किसी के बारे में तो आप मुझे बताइए हम हर हफ़्ते ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन आएंगे हम अपने फेसबुक पर बिल्कुल फेसबुक पर आएंगे और आपके सारे सवाल के जवाब दें और मैं आपसे आज आज डेट कौन सा है आज डेट क्या है नहीं डे डेट वॉट इज़ द डे Friday. Today, yeah. Friday, Friday. So I'm um, her Saturday. कोशिश करेंगे हर महीने हफ्ते में दो बार एक सैटरडे तो मान ही लो और दूसरा पता नहीं हर सैटरडे को हम आएंगे शाम को सात से आ, दस बजे के बीच में और नहीं हो पाया तो पॉसिबल हम सुबह आ जाएंगे पर हम लाइव आएंगे और अगर आप हमें लाइव सुनना चाहते हैं और हमसे लाइव बातें करना चाहते हैं फ्री में बिल्कुल बात करके और आप जो भी पूछना चाहें आपके फॉल्ट पूछिए बिल्कुल सर भली वो हार्डवेयर का हो या एम का हो कोई सा भी फॉल्ट पूछिए हम लाइव आएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे सो अगर कोई भी लाइव में हमसे फ्री में पाना चाहता है या आपने क्लियर करना चाहता है है या क्लियर करना तो फेसबुक को फॉलो कर लेना एशिया टेलीकॉम सर्च करना और फेसबुक को जाके फॉलो करना एक लाख नौ हजार फॉलोअर्स है पूरे इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के एक लाख के ऊपर फॉलोअर्स नहीं है सिर्फ एशिया टेलीकॉम के हैं और ये बात आपको माननी पड़ेगी थैंक यू वेरी मच थैंक यू